गिलगित के संगलाख पहाड़ों और चटियल वादियों में किसी ने सोचा भी ना था कि इस सरजमीन की एक बेटी अपने इलाके और मुल्क का नाम बैन-उल-अक़वामी सतह पर उजागर करेगी। किस्मत के रोशन सितारों मुबारक हो ए इल्म के शहसवारों, मुबारक हो ये कामयाबी मुबारक, नई मंजिले बारे अभी मुबारक, जहालत में दानिश के ए पासदारों, मुबारक हो ए इल्म के शहसवारों। बुनियादी तालीम गिलगित के नवाही इलाके में हासिल करने के बाद सईदा मीर ने मजमून नवीसी का शौक पैदा किया। सईदा मीर का बाप अपनी बेटियों में इल्म की गैर मामूली जस्तजू देखते हुए मजीद तालीम के लिए उन्हें इस्लामाबाद ले आया। यहाँ से सईदा मीर ने कुतुब नवीसी के आलमी मुकाबले में शिरकत करके पहली पोजीशन हासिल की। मैंने इंटरनेशनल बुक राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मोर देन 1900 स्टूडेंट्स ने ओवरऑल वर्ल्ड से 25 कंट्रीज में से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। व्हाइल आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। सईदा मीर की कामयाबी के एतराफ में वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इस होनहार तालबा को खसूसी इनाम से नवाजा। सईदा मीर के वालदैन का कहना है कि उनकी बेटी उनके लिए बाइस फ़ख्र है। मेरी मदद भी करते हैं, सारा दिन पढ़ना भी इनका बहुत शौक है, बहुत पढ़ती है। तमाम वालदैन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दे दें ताकि इनके अंदर जो पोशीदा टैलेंट है वो डिस्प्ले हो और मुल्क कौम के लिए जो है ना वो खिदमत कर सके। पाकिस्तानी नौजवानों को मुनासिब तालीम और तरबियत और साजगार माहौल दिया जाए तो इस मुल्क को हमारी नौजवान नस्ल बिलाशुबा एक कामयाब और खुशहाल मुल्क में तब्दील कर सकती है। सईदा मीर का एजाज़ इस बात का पैगाम देता है कि अगर जज्बा और लगन सच्ची हो तो कामयाबी दूर नहीं। कैमरामैन खुर्रम कुरैशी के साथ सदफ़ मिन्हास, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद।